हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यहां पर हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस देखेंगे जो कि सेमेस्टर टू में मेजर में और माइनर दोनों में बिहार के यूनिवर्सिटीज में सिलेबस दिया गया है अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है? अब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है ये हम लोगों को रिलेशन बताता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में। अगर हम लोग कोई भी मॉडल बनाते हैं या हम लोग इक्विलिब्रियम के मॉडल पर पहुंचते हैं तो वहां पर हम लोग अगर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई गणित का भाग होता है। तो इसी को हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो कि इकोनॉमिक मॉडल को हम लोग मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को हम लोग गणितीय अर्थशास्त्र भी हिंदी में कहते हैं। तो हम लोग कोई भी इक्विलिब्रियम मॉडल अगर लें जहां पर कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होता है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होता क्या है? ये एक्चुअली में एनालिसिस करता है, ये विश्लेषण करता है। विश्लेषण किस चीज का करता है कि हम लोग जो भी रिजल्ट हम लोग को आ रहा है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें हम लोग कौन कौन सा ब्रांच इकोनॉमिक्स का इंक्लूड हो सकता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड हो सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट रहता है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में होता है, पब्लिक फाइनेंस के बारे में हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। तो अब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करता क्या है? मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है। किसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है? ये क्वांटिटीज के बीच में करता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है? रिलेशनशिप क्वांटिटीज के बारे में कि कितने क्वांटिटी, अब कितने क्वांटिटी पे कितने प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं उसको। तो जैसे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड कितने प्राइस पर कितना होता है। प्राइस बढ़ने पे हम लोग देख जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटता है और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। तो ये सारा रिलेशनशिप जो होता है ये हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के थ्रू इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब बात आए अगर कि प्रोडक्शन की, अगर हम लोग उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है इकोनॉमी में, कितना रोजगार या कितना बेरोजगारी है, तो ये सारा कुछ एनालाइज करने के लिए हम लोगों को मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के जरिए हम इस दोनों लोगों इस सब के बारे में हम लोग संबंध बताते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। तो इकोनॉमिक थ्योरी कोई भी होता है तो वो कुछ एजम्पशंस लेता है और उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है, तो मान्यताएं होती है। तो और वही मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ये सिंबल्स का यूज करता है। जैसे थ्योरी में हम लोग एजम्पशंस लेते हैं वैसे ही मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर क्या है कि हमेशा से डिबेट चलता आया है कि इकोनॉमिक्स में मैथ्स का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो कि इसके खिलाफ में भी थे कि मैथ्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, और कुछ इकोनॉमिस्ट इसके पक्ष में भी थे। तो आज के समय में तो खैर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट हम लोग अगर इसके शुरुआत के बारे में बात करें तो जो इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट थे, अगेंस्ट कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे? मैथ्स का इस्तेमाल की इकोनॉमिक्स में नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम लोग के थे J.S. मिल थे। ये सारा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि कौन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट थे और कौन सपोर्टर थे। फिर लेजाइल थे, ठीक है, J.S. मिल, लेजाइल और हम लोग के केन्स, तो ये इकोनॉमिस्ट थे जो कि नहीं चाहते थे कि मैथ्स का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स थ्योरी में हो। वही अब इसके पक्ष में अगर हम लोग मार्शल की बात करें तो मार्शल की बुक है आप लोग सब जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये मार्शल की बुक है। इसमें ये मैथमेटिकल एनालिसिस का इस्तेमाल अपने एंड ऑफ द बुक में करते हैं। वही इकोनॉमिस्ट जो सपोर्ट कर रहे थे तो उसमें हम लोग किन किन का नाम ले सकते हैं जो सपोर्ट में थे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के? सपोर्ट में थे हम लोग के कर्नोट थे,
जेवॉन्स मार्शल आप लोग देख ही रहे हैं, उन्होंने भी इस्तेमाल किया था। परेटो एजवर्थ, तो ये वो इकोनॉमिस्ट थे जो डिबेट में कहते थे कि नहीं मैथ्स का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। तो अब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आया कहां से, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये भी हम लोगों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 19th सेंचुरी से, ठीक है, 1800s में, 19th सेंचुरी में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल शुरू होता है। और ये जो सबसे पहले जो इसमें ब्रेकिंग रूल था ये कर्नोट का था, ठीक है, कर्नोट की एक थ्योरी आई थी जो कि आई थी 1838 में, कब 1838 में इनका एक ब्रेकिंग पॉइंट था मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करने का, जिसके बाद जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का प्रासंगिकता ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद जो है जेवॉन्स को बोला जाता है कि जेवॉन्स ने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए काफी काम किया है। अब जेवॉन्स को क्यों कहा जाता है कि इन्होंने काफी काम किया है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इनकी एक बुक आई थी द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, बुक का नाम जेवॉन्स का क्या था, द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पब्लिश हुई थी 1871 में, ठीक है। तो इस बुक में इनका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए काफी काम इसमें इन्होंने किया था। अब लेटर, अब जब समय बीतता चला गया तो वैसे वैसे मैथमेटिकल एनालिसिस की बात ज्यादा होने लगी, क्योंकि जब भी हम किसी डाटा के थ्रू या मैथ्स के एम्पिरिकल डाटा के थ्रू हम किसी चीज को इस्टेब्लिश करते हैं, किसी लॉजिक को इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसका जो प्रासंगिकता होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये जो है इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो और इकोनॉमिस्ट थे जो काफी ज्यादा रोल अदा किए बाद में एक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए, उसमें हम लोग नाम ले सकते हैं कीन्स का, कीन्स को आप लोग सभी लोग जानते हैं, कीन्स का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमिक्स में। फिर हम लोग कह सकते हैं सैमुअलसन, बाउमोल, तो ये सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने काफी काम किया है, लियोनटॉफ, इन लोगों ने काफी काम किया है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। आगे बाद में अगर हम लोग बात करें फिर इंडियन कंटेस्ट, ये तो हम लोगों का हो गया जो इंटरनेशनल लेवल पे था। अगर हम लोग बात करें कि इंडियन कंटेक्स्ट में, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोफेसर जेके मेहता का, ठीक है, तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, इंडियन कंटेक्स्ट में, तो प्रोफेसर जेके मेहता ये सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने मैथ्स का काफी ज्यादा विस्तार किया मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, और ये जो थे ये प्रोफेसर थे अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पे जो इन्होंने काम किया है ये उन्होंने दर्शाया है अपनी किताब में जो पब्लिश हुई थी 1932 में, और इस बुक का नाम है द एलिमेंट्स, ये सब याद रखिएगा, द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स मैथमेटिकली इंटरप्रेटेड। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स मैथमेटिकली इंटरप्रेटेड, और ये पब्लिश हुई थी 1932 में। ठीक है, याद रखिएगा ये जो पब्लिश हुई थी ये 1932 में पब्लिश हुई थी, जेके मेहता की किताब थी, और ये किताब, ये जेके मेहता पहले इंडियन थे जिन्होंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पे काम किया था। अब हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्कार्सिटी के बारे में, स्कार्सिटी मतलब अभाव के बारे में। जब अभाव होता है तभी इकोनॉमिक्स और चॉइस का जन्म होता है, मतलब हम लोगों को चुनाव तभी करना होता है क्योंकि हम लोगों के पास जो रिसोर्सेस हैं वो कम है, लेकिन हम लोगों का जो
नीड है वो काफी ज्यादा है, तो इस चीज के लिए हम लोगों को चॉइस करना पड़ता है, ठीक है। तो चॉइस में हम लोगों का सेवरल एलिमेंट आ जाता है। अब एलिमेंट जो आता है तो उसको हम लोग जब मैथ्स में कंसिडर करते हैं तो उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वेरिएबल्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में चर। ऐसे हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल्स, जिसको हिंदी में हम लोग चर कहते हैं कि किस किस चीज पर ये डिपेंड करता है। अगर सपोज एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि किसी सामग्री का कोई गुड है एक्स, ठीक है। तो अब इसका अगर हम लोगों को प्राइस देखना है, ठीक है, अगर हम लोगों को प्राइस ऑफ एक्स देखना है तो ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, अब प्राइस इसका जो होगा ये डिपेंड करेगा कि इनपुट का क्या क्या प्राइस है। इनपुट में क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल, लेबर आ जाएगा, लेबर का क्या कॉस्ट है, रेंट कितना लग रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है। तो इसी प्रकार से काफी सारे चीज होते हैं जो इनपुट में लगते हैं। अब फिर हम लोगों को टेक्नोलॉजी में क्या खर्च हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हम लोग किस प्रकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम लोगों को इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी कमाना है, तो ये सारे चीजों पे हम लोगों का क्या डिपेंड करेगा? प्राइस डिपेंड करेगा। तो जब प्राइस डिपेंड करेगा तो हम लोग कहेंगे कि प्राइस ऑफ एक्स जो है ये किस किस चीज डिपेंड करता है, किस चीज का फंक्शन है? ये इनपुट का है, आउटपुट का है, टेक्नोलॉजी का है, तो कई सारे चीज है जिस चीज पे हम लोगों का डिपेंड करेगा प्राइस। तो ये सारे जो चीज होंगे ये हम लोगों के वेरिएबल्स हो जाएंगे। इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या हम लोगों का आगे मैथमेटिक्स में हम लोग किस तरह से इसके लॉजिक को इंटरप्रेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। अब यहां पर हम लोग जब वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो यहां पर दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बात करें तो सपोज मान लीजिए कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ये एफ को हम लोग कहते हैं फंक्शन, ठीक है, एफ को हम लोग फंक्शन कहते हैं। अगर हम लोग कहें कि वाई जो है फंक्शन है एक्स का, मतलब वाई में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो किस कारण से आ रहा है? एक्स के कारण आ रहा है। तो एक्स के कारण अगर चेंज आ रहा है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स ये खुद ब खुद चेंज हो रहा है, किसी एक कारण चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम लोग कुछ फंक्शनल रिलेशनशिप का अगर एग्जांपल हम लोग देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा होगा डिमांड फंक्शन, ठीक है, तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन को हम कहते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी। पी क्या डिनोट कर रहा है? पी कीमत को डिनोट कर रहा है, प्राइस को, और डी किस चीज को डिनोट कर रहा है? डिमांड को डिनोट कर रहा है। तो ये पार्ट जो हो जाएगा ये किस चीज का होगा? ये माइक्रो का पार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग मैक्रो में देखना चाहें तो मैक्रो में हम लोगों का हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन देख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन अगर देखेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और ये रिलेशन क्या है? फंक्शन ऑफ वाई। तो वाई क्या डिनोट करता है? इनकम, और आई डिनोट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो कोई करेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो उसके इनकम पे डिपेंड करेगा। अगर इनकम ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बचा सकेगा और ज्यादा वो इन्वेस्ट करने की उसके अंदर क्षमता होगी, और अगर कम इनकम है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तो अब ये था थ्रू आउट की किस तरह से हम लोगों का फंक्शन होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन और आइडेंटिटीज क्या होता है। हम लोग धीरे धीरे एक एक करके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और